सिरमौर के सुनील शर्मा बीमार बेसहारा रोगियों के लिए मसीहा बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुनील वह शख्स हैं जो पेशे से एक अंतर्राष्ट्रीय दापक हैं, लेकिन आजकल उनका लक्ष्य किसी दौड़ में हिस्सा लेकर मेडल जीतना नहीं, बल्कि वे इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि वे गरीब रोगियों के इलाज के लिए चंदा एकत्रित कर सके। सिरमौर के सुशील शर्मा बीमार बेसहारा रोगियों के लिए मसीहा बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुनील वो शख्स है जो पेशे से एक अंतर्राष्ट्रीय धावक है, लेकिन आजकल उनका लक्ष्य किसी दौड़ में हिस्सा लेकर मेडल जीतना नहीं है, बल्कि वे इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि वे गरीब रोगियों के इलाज के लिए चंदा एकत्रित कर सकें। ये दौड़ 1-2 किलोमीटर की नहीं बल्कि 500 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य लेकर सिरमौर और सोलन जिला के लोगों को इस मुहिम से जोड़ना है, और जो लोग भी उनके साथ इस लक्ष्य के बारे में सुनते हैं वे ना केवल उनकी प्रशंसा करते हैं बल्कि दिल खोलकर आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। कार्यक्रम के तहत सुनील शर्मा सोलन पहुंचे और सोलन वासियों ने भी उनका भव्य स्वागत किया और आर्थिक मदद के लिए अपने हाथ भी आगे बढ़ाए। सोलन में सुनील शर्मा ने कहा कि उनकी दौड़ का लक्ष्य 5 बेसहारा गरीब रोगियों का इलाज करवाना है जो कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि वे इस बार 500 किलोमीटर दौड़कर जिला सिरमौर और सोलन में जा रहे हैं और अब तक वे 350 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। 9 जून को उनकी ये मुहिम नाहन में पूरी होगी। उन्होंने बताया कि दौड़ में वे करीब 25 लाख रुपया एकत्रित कर रोगियों का इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य से भी ज्यादा सहयोग लोगों के लिए दिला पाएंगे। और आज हमारा ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। ये जो हमने एक बीड़ा उठाया है उन 5 अनमोल जीवन को बचाने का जो कि अपना इलाज कराने में असमर्थ है, ये हमने 3 जून को माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर से रन स्टार्ट किया था जो कि जिसमें हम पूरा सिरमौर और सोलन कवर कर रहे हैं। ये इतना बड़ा रन हमें इसलिए करना पड़ रहा क्योंकि इस बार हमारे पास 5-6 पेशेंट है जिनके इलाज के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस भी रूट पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर भरपूर सहयोग मिल रहा है, लोगों का वेलकम भी कर रहे हैं और चैरिटी भी इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद इस बार 20-25 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। और मैं सभी सोलन वासियों का, राजगढ़ वासियों का, हरिपुरधार, नोराधार, शिलाई और रोनाट, जितने भी स्टोन, पौंडा साहिब, तिलोकपुर, जितने भी रूट हम अभी तक कवर कर चुके हैं लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और साथ में हम 2 मैसेज भी दे रहे हैं जो कि हिमाचल सरकार और भारत सरकार आयुष्मान और हिम केयर की जो योजना चला रही है, मैं स्कूल में जाके सबको ये बताइए कि आप आयुष्मान और हिम केयर का फायदा उठाइए जो हिमाचल और भारत सरकार ने स्कीम चलाई है। हर स्कूल में अभी भी जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे सब बच्चों को यही कह रहे हैं कि प्लीज आप हर एक बच्चा आज कसम खाएं कि एक पौधा जरूर लगाएं ताकि आने वाले कल के लिए हमारे पेड़ पौधे मिले, शुद्ध हवा मिले और पानी मिले। और ये हम 9 जून को नाहन में रन खत्म करने वाले हैं और उसके समापन समारोह पर बहुत सारे, जैसे कुलदीप शर्मा जी और ऐसी भारद्वाज जी, दिनेश शर्मा जी, कॉमेडियन प्रिंस गर्ग, एंकर संजय ठाकुर जी और सिंगर विनय चौहान जी और एचडी ब्रदर्स जैसे बहुत सारे सिंगर फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी रन के लिए वहाँ पे अपना परफॉर्म करेंगे। और ये 500 किलोमीटर के आसपास हमारा रन रहेगा। कल हम सोलन से नैना टिक्कर और सराह की तरफ रन करेंगे और परसों हम नाहन में इसको खत्म करेंगे। हमारा जो मेन मोटो है वो 5 अनमोल जीवन को बचाने का है जो कि अपना इलाज कराने में असमर्थ है। मैं बहुत सी चैरिटी कर चुका हूँ, अभी मेरा 5 चैरिटी कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने रन किया था सेव वाटर सेव फॉरेस्ट के लिए, सेकंड जो किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, थर्ड रन हमने 2 किडनी पेशेंटों के लिए किया था जिसमें कि 3.5 लाख के आसपास हमारे पास चैरिटी इकट्ठा हुआ था, और जो फोर्थ रन हमने किया था लास्ट ईयर ट्रेडमिल पे मैंने 24 घंटे में 214 किलोमीटर किया था जो कि एक एशियन रिकॉर्ड है, और उसमें 6 लाख के आसपास हमारे पास डोनेशन एकत्रित हुआ था और हमने 3 पेशेंटों का ट्रीटमेंट हम करवा रहे। एक में तो जो हार्ट पेशेंट है उनका सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो चुका है और 2 किडनी पेशेंट का भी डायलिसिस चल रहा है, और इस बार हमारे पास 2 किडनी पेशेंट और 2 दिव्यांग भाई और एक ऐसे बुजुर्ग है जिनका कोई नहीं है, उनके लिए हम चैरिटी रन कर रहे हैं। वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।